देखो पहले तो मैं बेनती करा जी, जी एक राजनीति जिहड़ी है ना उहदी इक मर्यादा, उहदी भाषा दी भी मर्यादा है। असीं बचपन तो लैके राजनीति देखते रहे, जदों तो होश संभाली है। 100 बखरेवें 100 विरोध होंदे सीगे, हाँ जी मतभेद होंदे सीगे राजनीतिक पार्टियां दे राजनीतिक आगुआं दे, पर एक दूजे विरुद्ध एक मर्यादा दे तहत भाषा वरती जांदी सी। हुण गल जिहड़ी है साडे मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा सवाल उठाया है, मैं कोई इस शब्द नूं जस्टिफाई नहीं करदा कि ये शब्द वरत्या गया तो मैं जस्टिफाई करता हाँ, पर मैं आपका रिएक्शन दूंगा पूरा जी। तो गल की है कि भगवंत मान होरां दी जदों तो इस सियासत विच आए ने इन्हें किसी नूं बख्शिया? तां प्रकाश सिंह बादल जिहड़े सब तो बजुर्ग हिंदुस्तान दे नेता सी ते सन्मानित सीगे, हाँ जी जिन्होंने 5 बार मुख्यमंत्रीशिप हंडाई है, तो ज्यों 1957 तो लगे तो कदे हरे नहीं सी, तो जेलां कटियां पंथ की खातर पंजाब की खातर हकों के हकूकों लिए लड़ते रहे, उन्होंने बारे जो शब्द वरतते रहे तुहानू याद होना है, जिते कट के तुहानू भेज देंगे भी चला दिया जी। फिर सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं मैनूं इक गुरजे दस्सिया जी कि जिहड़ा मंदबुद्धि शब्द कि जिहड़ा आ सुखबीर बादल तो मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि शब्द का अर्थ की है? ते पंजाब दे विच सब तो पहला इस शब्द का प्रयोग सुखबीर सिंह बादल वास्ते किन्ने किया? भगवंत मान ने किया ना, तुहानूं चेता होना, तुसीं ते निक्की गल दा ध्यान रखदे जे, हाँ जी भगवंत मान ने किया सी ना, बड़ा पुराना किया सी, बोलदे हो हाँ कहदे जे ना कहदे वरतदे रहे हैं ना, बोलो बीबा जी जी हाँ जी वरतदे रहे ना। मंदबुद्धि शब्द ते पागल दे विच मैनूं कोई अंतर दस्सो, नंबर एक। नंबर दो, सुखा गप्पी, सुखा गप्पी स्टेजा ते चढ़ चढ़ के भगवंत मान कहिंदे सीगे, ये शब्द कितना कि मर्यादा वाला। हाँ जी दूसरी गल कि कोई भी घर है किसी का भी घर है, तो जे घर नूं कोई उजाड़ना शुरू कर दे तो लोग कहिंदे कि यार पागल दे हथ च कमरे दे हथ च चाबी आ गई। अज पंजाब नूं जिस पासे नूं लजाया जा रहा है, हुंदा उह वी बंदा ही आ, वह भी बड़ा कहता कि मैं बड़ा सियाणा आ, मैं घर का मुखी बनया आ। इस तरह अज जिस तरीके पंजाब जिस पासे नूं लजाया जा रहा, जिस तरीके पंजाब का पैसा जिहड़ा केजरीवाल की प्रमोशन वास्ते वरत्या जा रहा है, हाँ जी एक दूजे को दबाया जा रहा, पंजाब डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। गुरजीत मैं अगे भी तुम्हें सवाल किया, बीबी याद है ना जे लुधियाने ना भारत टाइम की जी आई सी रिपोर्टिंग करने वास्ते, तो एससी एक्ट का वो तो बेचारे से परचा दर्ज करता है। हाँ जी जे एससी एक्ट के परचे एक कुड़ी अणव्याही कुवारी कुड़ी के उत्ते परचा दर्ज करन करोगे, इस करके कि रिपोर्टिंग करना आई है, तो यह उस चैनल की रिपोर्टर है जिन्हें साडे विरुद्ध स्टोरी की सी। हाँ जी ये कदम कौन चुक सकता है धी भैन के विरुद्ध? हाँ जी जिस कोई सियाणा बंदा चुक सकता है, हाँ जी बड़ा सूझवान चुक सकता। हुण मैं एक होर गुरजोत बैंस का आया नवा ट्वीट कि जां सब तो वध पंजाब च पसंद किया जाता सी महाराजा रणजीत सिंह नूं, ते जां अज भगवंत मान नूं किया जाता, कमाल हो गई है। ये तो हाई भी बड़ी चलानी है कि गुरजोत बैंस ने जी महाराजा रणजीत सिंह ना तुलना करती जी, देखो जी गुरजोत बैंस, गुरजोत बैंस कोई ब्रह्म ज्ञानी है? पता नहीं कितों आप भूरी चढ़ाई जाने इन्होंने लोगों को, हर गल निकी तो निकी चिंचाड़े जो लोगों वास्ते शब्द वरता सीगा, बीबा हरसिमरत कौर बादल वाले वरतदा सीगा कि धी भैन वास्ते वरता सी, कभी चलाए हो? सनी आलूवालिया जुड़े हुए हैं साडे नाल आम आदमी पार्टी के बुलारे। सनी आलूवालिया जी, विरसा सिंह बलटोहा सीधा कह रहे हैं मुख्यमंत्री खुद जो शब्द वरतते रहे ने अज तक वरतते ने होर विरोधी आगुआं दे वल्लों, तां ओ उस ते क्यों नहीं फिर कोई बोलता? मुख्यमंत्री हुण ट्वीट कर रहे हैं कि मैनू पागल जिहा कह दिता, तो उस ते ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वह खुद अजिहे ही शब्द सुखबीर सिंह बादल वास्ते, प्रकाश सिंह बादल होना वास्ते, हरसिमरत कौर बादल होना वास्ते वरते रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं समझ नहीं आ रही कि भी हुण मैं किहड़ा दोष इहनां ते लावां, ते जिहड़े बलटोहा साहब ने उहनां नूं बचाण लगे ने। बदकिस्मती है श्रोमणी अकाली दल दी कि प्रधान इहो जिहा है जिहनूं इह नहीं पता किहड़े शब्दां दा इस्तेमाल करना है, किहदे बारे करना है, वह पंजाब दे मुख्यमंत्री बारे गल कर रहे ने और की कह रहे इह जिहड़ा हुण लगे होया पागल जिहा। वह शर्म आनी चाहीदी है सुखबीर बादल नूं, जिहड़ी इहो जी कह रहे भी इहो जिहे वर्ड किवें सोचते ने लोग, किवें बोलते ने, इन्हां नूं कुछ सोचता तां पिया नहीं, MLA कोई बस च नहीं, कुछ इन्हां दी चलदी नहीं, माफिया सारा इन्हां दा आम आदमी पार्टी ने घेर के
कुछ अंदर करते कुछ बंद कराते हुन इन्हां नूं तकलीफ हो रही है, इस करके इन्हां नूं इहो जिहे शब्द इस्तेमाल करने पै रहे। इन्हां दी फ्रस्ट्रेशन दसदा पिया कि इन्ना परेशान हो गया है श्रोमणी अकाली दल का प्रधान कि कैहो जिहे लफ्ज़ इस्तेमाल करन ते आ गया। इन्हां नूं अपने फादर तो ही कुछ सीख लेना चाहिए सी, जिहड़े सरदार प्रकाश सिंह बादल सीगे ओह इहो जिहे किहड़े इहो जिहे इन्हां नूं पढ़ाई दित्ती है जिहड़े इहो जिहे शब्द बोलते पे ते बलटोआ साहब बैठ के बोलते पे ने जिहड़े कि असैंबलियां च खड़े हो के अपने आप नूं कहिंदे सी मैं करता वो करता। ये पत्रकारिता की गल कर रहे, इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार थी उसके अगेंस्ट इन्होंने इन्ना वड्डा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके उन्होंने उसको कढ़ाता। हुण अज बैठ के चैनलों के उत्ते जिहड़े लोग वड्डे वड्डे क्राइम कर चुके ने अब चैनलों से बैठ के सफाइया देंदे पे है ते सर्टिफिकेट वंडदे पे है कि नहीं जी सुखबीर बादल ने ठीक किया, नहीं जी इन्होंने ठीक किया। ये गल नूं कित्थों दी कित्थे लै जांदे ने, गल जिहड़ी हैगी है सवाल पुछया गया भी क्यों किया, ये उहदा जवाब की देंदे, उहनां दी फ्रस्ट्रेशन है इस करके उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए। इन्हों यह कहना चाहिए चैनल उत्ते बैठ के जी अगों असं यह लफ्ज नहीं इस्तेमाल करा असं माफी मांगते हैं, यदि जगह पर गल हो रही कितने ली जाते मुख्यमंत्री के अगेंस्ट यह जे शब्द किने बोले अज तक दसो, इन्हों पुछो कि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट बोले साढ़े कि पार्टी के लीडर ने बोले ये इतने बैठ के। और बलटोआ साहब तो मैं समझ नहीं आती गुरसिख बंदे ने गलती मनने तैयार नहीं, सिक्खी च की सिखाया जाता सब तो पहली गल यह सिखाया जाता ये तुसी धर्म का प्रचार करते पे हो ये बोलते पे हो तुसी अपने आने वाले लोगों नू जनरेशन नू की मैसेज देके जा रहे हो। बलटोआ साहब ये जिहड़ी गल्लां ने ना ये तुसी हुण भी सेफ गार्ड कर रहे हो, तुहानू कहना चाहिए गलती होगी अगों ख्याल रखांगे इहो जिहे शब्द नहीं इस्तेमाल करांगे। बलटोआ जी ते होर लै गए ने, बलटोआ जी कह रहे ने माफी मंगनी चाहिए अकाली दल नू। तां गुरजोत मैं शुरू इत्थों कीता सीगा कि मैं इस शब्द नू कोई जस्टिफाई नहीं करदा, इहदी क्या सी जी मैं तो गल की रवायतें किने पाइया है प्रथा किने पाइया है जिहड़ी भाषा की मर्यादा है उहदी उलंघना किने की और अज की नहीं मेरा ख्याल पिछले अठा नौ साल तो लगातार जे मर्यादा की उलंघना की गई इथे इथे पर जो साडे मुख्यमंत्री ने जिन्होंने रवायतां पाईयां ने जिन्होंने पिरतां पाईयां ने जिहड़े मर्यादा नूं भुल के एक 90 साल के बजुर्ग बारे जो शब्द वरतते रहे हैं जिहड़े पंजाब दा पांच वारी मुख्यमंत्री रहा सीगा तुसीं ते पता नहीं हुण बन गए गांग दे वारी आउणी कि नहीं आउणी। हाँ जी रब जानता मैं किसी बारे नहीं कहता की बना गुरजोत ये लोग डिफेंसिव ने अजे यार मैं पहलो कह दिया कि आप सर्टिफिकेट दे रही है कि भगवंत मान पागल नहीं मैं तो गल कर रहे हैं। हाँ जी आप सर्टिफिकेट कट लिए ना सर्टिफिकेट देना है मैं ही देना है हूं तो मैं कुछ नहीं देना मैं सर्टिफिकेट दोगे माफी मंगोगे कि पूरे पंजाब तो माफी मंगोगे कि तुम्हारे प्रधान ने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए माफी फिर उस तो बाद करो डिस्कशन बाकी मुख्यमंत्री ने चंद चाढ़ता कुछ नहीं रह गया जलंधर भी संगरूर भी होया जलंधर भी होया जमानता का की गल कर देनी है कर देने गल पूरी हो लैन दो उन्होंने नहीं टोकिया इन्हों गल पूरी कर माफी तो मंगन जी कहते हैं कि जवाब तो दे लैन दो आलू वाली जी जवाब तो दे लैन दो बलटोआ जी मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल के बिहाफ से इस गल का दावा करता है
कि जिस बंदे ने पंजाब च जिहड़ी राजनीतिक भाषा की मर्यादा की उलंघना सब तो पहलों की सब तो पहलों माफी मंग लवे। भगवंत मान होरी सुखबीर सिंह बादल नूं मंदबुद्धि, जे तो उहदा कोई होर है, हाँ जी स्टेजा ते चढ़ चढ़ के भौं भौं के रोज ही रोजाना ही प्रेस दे विच वी पत्रकारां नूं कहना यार तुसीं मंदबुद्धि सुखबीर बारे क्यों गल करदे जे, एक सुखबीर बादल ते मंदबुद्धि है। हाँ जी वह जे जे ते जे ते भगवंत मान माफी मंगदे है तो मैं दावे ना कहना कि इस शब्द बारे मैं भी कह दूंगा कि गलत बोलिया गया। जे जे प्रेस कॉन्फ्रेंसा दे विच एक मिनट यार गल करदे होणा गल करदे गल गल पूरी हो लैण दिओ गल पूरी हो लैण दिओ ते गल इधर उधर दी करदे रहंदे ने उहनां नूं कोई माफी नहीं मंगदे यार हुण गल करदे हो गल करदे गल 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 इस्तेमाल कीता जा सियाणे बियाणे जे पता नहीं डॉक्टर देखो वर्षा सिंह वल्टोहा वर्षा सिंह वल्टोहा सीधा यह कह रहे ने कि जे जे भगवंत मान माफी मंग लैंदे ने अपनियां टिप्पणियां लई तां ओह वी मंग लैणगे की मुख्यमंत्री कहण तां ठीक है जे मुख्यमंत्री बारे कहा जावे तां गलत है। जिहड़े बंदियां ने माफिया चलाया ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਂਡ ਕਰਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੂ। ਜਿਹੜੀ 2024 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਬਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਸਖੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ 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 ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ,
बेअंत सिंह बनया 5 साल, ते अपने आ जड़ा अज वाला पागल जा